सो गाइज आराम करने के बाद अभी लगभग 5 बज चुके हैं और अभी आए हैं बाबा बिल्केश्वर नाथ मंदिर, जो कि काफ़ी अलग अनुभव है। मैंने जितना हाइट में मैंने सोचा था उतना नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लगे आने में। ऑटो से आए हैं, हमारी पूरी टीम पीछे वेट कर रही है, बस मेरे को निकलना होगा वरना तो भाई मेरे को छोड़ देंगे यहीं पे। देखिए काफ़ी प्यारा सीन है, तो चलते हैं अंदर। महाराज जी ये क्या बना रखा है? ये क्या है? ये घर बना रखे? घर जैसी जिसके अपनी अपनी मनोकामना बांधता है पूरा बाबा। ये आते वक्त बनाने होते हैं या कोई तो भी आते जीवन मत्ता वाले स्टोरी जो फिक्र हमने कवर की थी, मतलब यहाँ पर भी घर बनाए जाते हैं अपनी इच्छा मनोकामना के लिए। मतलब कमेंट में अभी ये मत बोलना कि आप भी बना दो, नहीं हो सकता है एक दो कमेंट तो मेरे घर से आए ना भी आए। काफी प्यारा है भाई, ट्रैकिंग प्यार का है, सब फील हो रहा है मेरे को। फाइनली दर्शन हो चुके हैं और भाई फोटो वीडियो कुछ भी अलाउड नहीं थी, बाहर बैठे थे पंडित जी, बना नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं यार, सह लेंगे थोड़ा, ये नेट से देखते हैं, अगर मिलती तो यहाँ का आपको फोटो मिल जाएगी। छोटे छोटे मंदिर बहुत ज्यादा यहाँ पे, मतलब बहुत छोटे छोटे मंदिर है। हो गए दर्शन, अभी दो कन्फ्यूजन है कि हर की पैड़ी जाना है या चंडी का मंदिर जाना है या हर की पैड़ी जाना है। मौसा जी बोल रहे हैं हर की पैड़ी चलते हैं क्योंकि अभी लेट हो गए हैं और जरा काफी ज्यादा हो गया, हो जाएगा तो शायद हर की पैड़ी पे जाएंगे अभी। भाई साहब चलते चलते बुरा हाल हो गया, पिछले कम से कम 1 घंटे से पैदल चलवा रहा है मेरे को योगेश। ये देखिए पीछे आ रहा है ना, अभी आएगा लास्ट में बोल रहा है लेफ्ट या राइट, अगर पूछ लिया कंफर्म करिए, अभी भी लेफ्ट राइट पूछ रहा है, इसको पता नहीं है फिर भी अभी आ जाएगा। नाम बताते घर की पड़ी आ जाएगी। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद हम आ गए हैं हर की पैड़ी पे, अभी स्नान करेंगे। गंगा घाट है यहाँ पे नहाएंगे अभी और आरती चल रही है तो अभी नहा नहीं सकते, जैसे आरती रुकेगी नहा लेंगे।
सो गाइस फाइनली खाना हो चुका है, नहाना हो चुका है और हम निकल चुके हैं मार्केट में। और अभी करते हैं कुछ शॉपिंग, घर के लिए लेते हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। सो गाइस यहाँ से दोनों भाई ने एक एक टी शर्ट लिया है, मैंने एक सैंडो ली है, भाई ने टी शर्ट ली है। आगे शॉर्ट्स भी ट्राई करते हैं और अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे देखते हैं क्या क्या मिलता है। ब्लैक और भाई ने दो लिए, एक लिए बढ़िया में दे दो फिर तो। हाँ साफा ये ले लो, कॉटन का साफा बढ़िया। कौन सा लेना? ये 120 है, ये 100 रुपये भाई, ये ले लो। आइसक्रीम खा रहे थे, हमने एक बहुत ही प्यारी चीज लिया, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए शिवलिंग, ये और इसका नंदी, ये दोनों चीज मैंने यहाँ से लिए जो कि आपको बाद में दिखाऊंगा। मैंने भी, भाई ने भी लिए, भाई ने मैंने भी लिए, भाई ने भी लिए। बस निकलते हैं अभी यार, रूम के लिए निकलते हैं। और तो फिर रेशन का लेना था लेकिन मेरे को बताने नहीं आता, फिर मैं कैसे क्यों लूँ। मतलब गाइस फाइनली सारी जो खरीदारी है वो हो गई है, मार्केट में एक्सप्लोर कर लिए। और इस मार्केट में हम कल घूमे थे भी, तो प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा था, एक बार जाके जरूर देख ले। तो अभी जा रहे हैं वापस, देखते हैं या तो रूम पे जाएंगे या कहीं और जाएंगे। फिलहाल रूम का ही प्लान है, आई थिंक रूम पे ही जाएं। बस पहुँचते हैं पहले वहाँ पे, फिर आगे देखेंगे भी। और अभी जस्ट इस क्लिप से पहले कुछ बंदे थे, मैं जैसे शूट करने लगा ना तो पीछे से बोलने लगे, मेरे को काफ़ी फनी लगा भाई। पहले मेरे को अजीब लगता था लेकिन अभी ये चीज़ें मेरे को अजीब बिल्कुल भी नहीं लगती, ठीक है, नॉर्मल हो गई अभी। और इसके बाद हम चले गए अपने रूम पे। हमने प्लान तो बनाया था कहीं और घूमने का लेकिन लेट ज़्यादा हो गए थे और 11:30 बजे है वो धर्मशाला जहाँ पे हम रुके थे वो बंद हो जाती है। तो इस वीडियो को मैं एंड भी नहीं कर पाया और बहुत ज़्यादा थक गया था, तो भूल गए अभी नेक्स्ट सुबह हम चलेंगे कहीं और पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग विलेजर रूमा, बाय।